हेलो दोस्तों, मैं सिमरन और आप देख रहे हैं माय भारत। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूं बिग बॉस 16 के सबसे पॉपुलर कंटेस्टेंट की, जो शो में आते ही छा गए हैं, या यूं कहें एक तरह से वो बिग बॉस 16 के सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हैं। इनको देखकर तो लोग बस यही बोलते होंगे कि अगर क्यूटनेस को नाम दिया जाता तो वो इनका ही होता। वैसे दोस्तों, अब तो आप सब समझ गए होंगे कि मैं यहाँ अब्दू रोजिक की बात कर रही हूँ। अब्दू इतने ज़्यादा क्यूट हैं कि मैं क्या ही बोलूँ। इनके बात करने का तरीका, इनकी हाइट, सब कुछ क्यूटनेस से भरा पड़ा है। अच्छा, कई लोग अब्दू के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो चलिए मैं बताती हूँ। अब्दू रोजिक मूल रूप से तजाकिस्तान के रहने वाले हैं। वहीं के मशहूर गायक हैं, संगीतकार हैं। वो दुनिया के सबसे छोटे गायक होने के लिए काफ़ी सुर्खियों में रहते हैं। इनके रैप गानों को लोगों द्वारा काफ़ी पसंद किया जाता है। गायकी के साथ वो एक प्रसिद्ध ब्लॉगर भी हैं। उनका एवलॉन मीडिया नाम का अपना एक खुद का यूट्यूब चैनल है। अब्दू के करंट एज की अगर बात करें तो अब्दू की उम्र 19 वर्ष है, लेकिन कोई भी उन्हें देखकर उनकी एज गेस नहीं कर सकता है, क्योंकि अब्दू देखने में 4 से 5 साल के बच्चे की तरह दिखते हैं। अब्दू को ये कामयाबी ऐसे नहीं मिल गई है। 5 साल की उम्र के बाद अब्दू की लंबाई बढ़ना बंद हो गई थी। 8 साल की एज में अब्दू को अपनी बीमारी के बारे में पता चला था। अब्दू के पास रहने के लिए अच्छा घर नहीं था, उनके घर की छत से पानी टपकता था। बिग बॉस में अब्दू ने यह भी बताया था कि स्कूल में उन्हें अलग नज़र से देखा जाता था। एक बच्चे ने उन्हें धमकाया था, जिसके चलते वो पढ़ाई भी नहीं कर पाए थे। माता पिता के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अब्दू का इलाज करा पाते। कोई और होता तो शायद वो हार मान लेता, लेकिन अब्दू ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपने करियर को सही दिशा देने पर फोकस किया, मेहनत करते रहे और आज पूरी दुनिया अब्दू रोजिक को जानती है। अब्दू ने 6 साल की उम्र में एक गायक के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी। खुद पर भरोसे और मेहनत के दम पर आज अब्दू रोजिक करोड़ों के मालिक हैं। दोस्तों, अब्दू ने अपनी कमजोरी को खुद पर हावी नहीं होने दिया, इसीलिए आज क्यूट अब्दू हम सभी के लिए इंस्पिरेशन बने हुए हैं। अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।